जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मो आचार्य क्षेत्रमोहन पंडित आपणंकु साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुछि। एही राशिफल आमे 13/11/2020 रु 29/11/2020 जाए जानिबा। मेष ठारु मीन जाए द्वादश राशि राशिफल जानिबा एवं ताकर शुभाशुभ जानिबा एवं तार प्रतिकार मध्य जानिबा। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्ना कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसूत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। ग्रह रूपी परमेष्टि, ग्रह रूपी जनार्दन, ग्रह रूपी महेशादि, ग्रह विप्रो नमस्सदा। ग्रहाधीने जगत ब्रह्मन् मंत्राधीने अपि ग्रह ते मंत्र दैवज्ञ दीना दैवज्ञ जे ग्रह। तेबे दर्शक बंधु, प्रथमे आमे मेष राशि विषय रे जानिबा। मेष राशि एहि सप्ताह रे आपणंकर 23, 24 एवं 27, 28, 29 रे विशेष शुभ फल परिलक्षित होतवा स्थले 25 एवं 26 तारीख रे किंचित मंद फल परिलक्षित हेउछि। शुभ फल कोण ना आय वृद्धि, नूतन कर्मरे निजुक्ति, आनंद, अतिथि सत्कार एवं अर्थ लाभर जुग रहिछि। मंद फल कोण ना मानसिक अस्थिरता बा दुश्चिंता एवं अतिरिक्त अर्थव्यय ओ अजथा भ्रमणर जुग रहिछि। तेणु प्रतिकार स्वरूप आपण ओं क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। मंत्रटी आउ थरे कहुची, ओं क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। एही मंत्र को 21 थर जप करंतु एवं कौनसी दैवज्ञ ब्राह्मण ग्रह विप्र ज्योतिषंकु आपण मसूर डाली किछि दान करंतु एवं तांकर शुभाश्रीवाद लाभ करंतु। सेहीपरि वृष राशि विषय जानिबा। वृष राशि आपणंकर 23, 24, 25, 26 शुभ फल परिलक्षित होतबा स्थले 27, 28, 29 मंद फल परिलक्षित होउछि। शुभ फल कोण ना कर्म क्षेत्र रे जश प्रतिष्ठा सनाम मिलिपारे एवं पितांकर सहयोग मध्य मिलिपारे। उच्चस्थ कर्मचारीकर सहयोग, आय वृद्धि और अतिथि सत्कार मध्य करिपारंति। मंद फल कोण ना अजथा भ्रमण एवं व्यय वृद्धि घटि पारे। तेणु प्रतिकार स्वरूप आपण ओं सुं शुक्राय नमः एही मंत्र को 21 थर जप करंतु एवं कौनसी दैवज्ञ ब्राह्मण ग्रह विप्रंकु आपण धळा वस्त्र, अरुआ चावल ओ क्षीर दान करंतु एवं तांकर शुभाश्रीवाद लाभ करंतु। सेहीपरि मिथुन राशि, मिथुन राशि आपणकर 23 रु 29 तारीख जाए शुभ फल परिलक्षित होउछि। तेणु प्रतिकार आवश्यक किछि नाही। शुभ फल कोण ना मांगलिक कार्य रे योगदान एवं अतिथि सत्कार एवं बंधु मिलन एवं कर्म क्षेत्र रे जश ओ सुनाम परिलक्षित होउछि एवं पुरुणा कोनोसी कार्य अटकी जायथिबा कार्य मध्य सफलता सहित होइ जीव ता मध्य परिलक्षित होउछि। विशेष प्रतिकार जदि चाहूँ किसी प्रतिकार करते तेबे विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु एवं श्रीहरि विष्णु पाद तले आपण तुलसी अर्पण करंतु। सेहीपरि कर्कट राशि, कर्कट राशि आपणकर एही सप्ताह रे 25, 26, 27, 28, 29 तारीख रु 29 जाए शुभ फल परिलक्षित होता स्थले 23, 24 तारीख से किसी मंद फल परिलक्षित होउछि। शुभ फल कोण ना पितृसुख, कर्म क्षेत्र रे उन्नति, मांगलिक कार्य रे योगदान एवं नूतन आयपंथा बा कर्म रे निजुक्ति रो मार्ग प्रशस्त देखा देउछि। एवं एक रु अधिक बा अनेक आय रो परिलक्षित मध्य होउछि। मंद फल कोण शारीरिक पीड़ा, बंधु विवाद एवं यात्रा कष्ट बा जानवाहन रे किछि त्रुटि परिलक्षित होउछि।
ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଓଂ ସୋଂ ସୋମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଣବିହୀନ ଦହି ଭାତ ଘିଅ ଓ କନ୍ଦ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି ଭୋଜନ ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆମେ ଏବେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 23-24 ଓ 27-28-29 ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। 25-26 କିଞ୍ଚିତ ମନ୍ଦ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ? ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନ୍ଦଫଳ ପେଟ ଓ ଶାରୀରିକ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଓଂ ଘୃଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସପ୍ତାଞ୍ଜଳି ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଦେଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 23-24-25-26 ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 27-28-29 କିଞ୍ଚିତ ମନ୍ଦ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ? ନା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ, ତର୍କ ପ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ? ନା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ବଦହଜମି ବା ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଜ ପନିପରିବା ବା ଗୋଟା ମୁଗ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କର 25-26 ବା 25-29 ତାରିଖ ଯାଏ ଶୁଭଫଳ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 23-24 କିଞ୍ଚିତ ମନ୍ଦଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶୁଭଫଳ କ'ଣ? ନା ପୁରାତନ ରୋଗ ବା ପୁରାତନ ରୋଗ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ତର୍କପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ବା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିପାରେ। ସେପରି ମନ୍ଦଫଳ କ'ଣ? ନା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ବା ବିବ୍ରତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଓ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆପଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାଠ କରାଇ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 27-28-29 ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 23-26 ଯାଏ କିଞ୍ଚିତ ମନ୍ଦ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ? ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ବା ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିପାରେ। ମନ୍ଦଫଳ କ'ଣ? ନା ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଓ ଯାନବାହନ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଓ ବୁଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଭୋଗକୁ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟି
दिंतु विशेष सुभत्व तेज वर्तमान आम धनुराशि विषय जानवा धनुराशि यही सप्ताह आपण 23-24 विशेष शुभफल पर 25-29 जाए किंचित मंदफल पर शुभफल कौन ना पराक्रम बुद्धि एवं भातृ सहयोग मिलिबो एवं कर्म क्षेत्र में उन्नति और जश मिलिबो एवं अटकी जाइथिबा कार्य रे मध्य किछि समाधान मिली पारे। मंदफल कौन ना माँ का जनित माँ को नहीं किसी समस्या रही पारे माँ का शारीरिक असुस्थता लक्ष्य हो पारे एवं जानवाहन रे किसी समस्या मध्य देखा दे पारे। तेणु प्रतिकार स्वरूप आपण ओम ब्रूं बृहस्पतये नमः यही मंत्र को 21 थर जप करंतु एवं कौनसी दैवज्ञ ब्राह्मण ग्रह विप्र को हलदी मिश्रित अरुआ चाउल दान करंतु एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। विशेष शुभत्व पाई आपण ब्रह्मजष्टि गच्छ मूलरे किंबा कदळी गच्छ मूलरे हलदी मिश्रित जल ढाली पारंती। सेहिपरि मकर राशि आपणकर 25-26 रे विशेष शुभ फल परिलक्षित होता स्थले 23-24 और 27-28-29 रे किंचित मंद फल परिलक्षित होउछि। तेणु शुभ फल कौन ना धन वृद्धि कुटुंब प्रेमी एवं तर्क प्रिय एवं शत्रुजयी मध्य होई पारंती। मंद फल कौन ना कर्म क्षेत्र व उद्यम अनेक बाधा आपण सम्मुखीन करिपारंती एवं अजथा भ्रमण जानवाहन प्रति सतर्क रुहंतु एवं माँ का विशेष आपण चिंतित रही पारंती। प्रतिकार स्वरूप आपण ओं संग शनेश्चराय नमः यही मंत्र को 21 थर जप करंतु एवं शनि मंदिर रे आपण राशि तेल दीप जाळंतु ओ कौनसी दैवज्ञ ब्राह्मण ज्योतिष को आपण लुहार लौहर किसी वस्तु दान करंतु ओ नील वस्त्र मध्य दान करिपारंती एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। सेपरि कुंभ राशि आपणकर 23-24 ओ 27-28-29 रे विशेष शुभ फल परिलक्षित होतबा स्थले 25-26 रे किंचित मंद फल परिलक्षित हेउछि। शुभ फल कौन सुनिद्रा सुवस्त्र ओ सुखाद्य भूषण लाभ सम्मान रे वृद्धि ओ भातृ सहयोग ओ शास्त्र उन्नति ओ उद्यम रे मध्य सफलता परिलक्षित हेउछि। मंद फल कौन ना कुटुंब विरोधी अजथा कौनसी कलह रे पड़िपारंती ओ अर्थ व्यय मध्य होई पारे। प्रतिकार स्वरूप आपण शनि चालीसा पाठ करंतु एवं कौनसी दैवज्ञ ब्राह्मण ग्रह विप्र ज्योतिष को आपण गोटा कलाबिरी दान करंतु एवं तांकर शुभाशीर्वाद लाभ करंतु। सेपरि मीन राशि आपणकर 25-26 25-29 तारीख जाए शुभ फल परिलक्षित होता स्थले 23-24 किंचित मंद फल परिलक्षित होउछि। शुभ फल कौन ना कर्म क्षेत्र रे उन्नति पारिवारिक सुख दाम्पत्य सुख एवं कौनसी मांगलिक कार्य रे योगदान बंधु मिलन इत्यादि शुभ फल परिलक्षित होता स्थले। मंद फल कौन ना मानसिक स्तर रे किछि अस्थिरता अनुभव करि पारंती बा मन चंचल रही पारे एवं दूर यात्रा किछि करि पारंती बा यात्रा कष्ट किछि रही पारे। तेणु प्रतिकार स्वरूप आपण ब्रह्मजष्टि बा कदळी गच्छ मूल रे जल हळदी मिश्रित जल ढाली पारंती गुरुवार दिन ओ गुरुंक वंदना मध्य करि पारंती विशेष शुभ फल पाई। तेबे दर्शक बंधु एई त थिला साप्ताहिक राशिफल जहाँ आपण शुणिले 23-11-2020 रु 23-12-2020 रु 28-12-2020 जाए। तेणु जदि आपणकर कौनसी ज्योतिष एवं वास्तु समस्या थाए तेबे मो सहित जोगाजोग करिपारिबे मो आचार्य क्षेत्रमोहन पंडित आपण मो नंबर है 7978-27-6877-0।
जदि आपण को मोर कार्यक्रम भल लगुच्छी मोर चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ, जय आदित्य नारायण।